हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर किराए सर। कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर, सामाजिक विज्ञान की जो चार किताबें हैं, तो चारों किताबों में से किस किताब में से कितने लेसन तक आना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर के आए हैं पूरा त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस कि कितने चैप्टर कहाँ से आना है। तो यहाँ देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, ये आना है। अर्थशास्त्र में से आपको विकास नाम का जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो इतना ये जून माह में आपको कंप्लीट करना था, जून माह का ये पाठ्यक्रम था। तो आपका ये दोनों चैप्टर, राजनीति विज्ञान से फर्स्ट और अर्थशास्त्र से फर्स्ट चैप्टर आएगा ही पेपर में। अब भूगोल की बात कर लेते हैं, तो भूगोल में से देखो संसाधन और विकास आना है, ठीक है। इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं जिसे आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं अध्याय एक जो इतिहास का है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपको याद करना है। फिर राजनीति का दूसरा अध्याय भी आपका पेपर में आएगा संघवाद से। अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय भी आपका आएगा, ठीक है, आपको अच्छे से याद करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन अध्यायों में जितने में भी मानचित्र हैं, मानचित्र जरूर आपको अच्छे से कर लेना है प्रैक्टिस, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर कि भूगोल का दूसरा चैप्टर वन और वन्य जीव संसाधन, ये भी आपको आना है। जो टॉपिक हटे हैं वो नहीं पढ़ना है, नई किताब होगी तो ऑलरेडी आपको वो टॉपिक उसमें छपे ही नहीं होंगे। अध्याय दो इतिहास का भारत में राष्ट्रवाद, ये भी आएगा पेपर में। और राजनीति विज्ञान का अध्याय चार जो है जाति धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये चैप्टर आपका पेपर में आने वाला है। अर्थशास्त्र का अध्याय तीन मुद्रा और साख, इससे चैप्टर आएगा ही, साख से संबंधित क्वेश्चन इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आना ही है। और इसमें जो मानचित्र होंगे इन चैप्टर्स में, वो मानचित्र आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए हम देख लेते हैं भूगोल का तीसरा चैप्टर जो जल संसाधन है, ये आएगा, ठीक है। इतिहास का तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। तो टोटल आपको समझ में आ गया, इतिहास के तीन चैप्टर, भूगोल के तीन चैप्टर और तीन तीन चैप्टर आपकी सारी बुक चारों बुक्स में से आना है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरे नंबर को नोट कर लीजिए 7509992982। और यदि आप अभी तक कक्षा दसवीं के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इसी पर मैसेज करके जुड़ जाइए। मैसेज करने के साथ साथ आप अपना नाम, पता और क्लास जरूर बताइएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम आपको क्लास टेंथ के ग्रुप में जोड़ देंगे। और रात को 8 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।